नमस्कार, वायरल अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों एक बार फिर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, और बताएंगे कि कैसे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का माफियाओं की लुप लुप ले रहा वाला वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, और इसके साथ ही बताएंगे कि व्यूज पाने के लिए दो युवतियों ने कैसे सारी हदें पार कर दी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस खबर सियासत के गलियारों से है, जहां एक बार फिर बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत विवादों में घिर चुकी हैं। दरअसल एक टीवी इंटरव्यू में एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी कंगना ने कहा कि मुझे एक बात बताओ, जब हमें आज़ादी मिली तो भारत के पहले पीएम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे। इसके बाद ही कंगना यूजर्स के निशाने पर आ गई। वहीं उनकी इस टिप्पणी पर बीआरएस नेता और केटीआर ने कंगना को जमकर घेरा। केटीआर ने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने एजुकेशन कहां से किया। इसके साथ ही कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी कंगना पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें हल्के में मत लीजिए, ये बीजेपी नेताओं की लिस्ट में सबसे आगे निकल जाएंगी। जाहिर है बॉलीवुड अभिनेत्री हो या कोई राजनीतिक, राजनीति में एंट्री करने के लिए ऐसे सवालों के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो सोशल मीडिया में आपको ट्रोल होने से कोई नहीं बचा सकता। फिलहाल कंगना को अपना जीके थोड़ा अच्छा करना चाहिए। वही बात करेंगे अगले वीडियो की, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक बाराबंकी में लोकसभा वॉलंटियर सम्मेलन में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां सभा के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि गुंडे माफियाओं की लुप लुप ले रहे हैं। लोकसभा वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करते हुए अचानक उनके शब्द ही बदल गए और उन्होंने कहा कि गुंडे माफियाओं की लुप लुप ले रही है, बताओ लुप लुप ले रही है कि नहीं। वीडियो सोशल मीडिया में आते ही वायरल हो गई। उस समय सभा में बहुत सी महिलाएं और मंच पर लोकसभा प्रत्याशी राजरानी रावत भी मौजूद थी। गौरतलब है कि यूपी में अब अपराधी अपराध करने से पहले कई बार सोचता है, लेकिन सीएम बृजेश पाठक का ये बयान सोशल मीडिया पर बड़ा सुर्खियां बटोर रहा है। इंस्टाग्राम पर रील बनाने का खुमार लोगों के सर चढ़ा हुआ है और व्यूज पाने के लिए लोग सारी हदें पार कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला नोएडा में, जहां होली के मौके पर मेट्रो व स्कूटी पर वीडियो रील बनाकर चर्चा का विषय बनी दो युवतियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उनके खिलाफ नोएडा सेक्टर 113 पुलिस द्वारा केस दर्ज किया गया था। होली पर लड़कियों को वीडियो में अश्लील हरकतें करते हुए देखा गया। दिल्ली मेट्रो में एक दूसरे को रंग लगवाने के बाद वो दोनों लड़कियां स्कूटी पर एक लड़के के साथ ऐसी हरकतें करती देखी गईं। फिलहाल स्कूटी में 33,000 रुपए का चालान कमिश्नर पुलिस द्वारा किया गया। चालान कटने का मैसेज जैसे ही उन लड़कियों को मिला तो लड़कियों ने कहा कि वो गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं और इतने पैसे उनके पास नहीं है, वो चालान भी नहीं भर सकती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर वीडियो में अश्लीलता दिखी है तो आगे चलकर वो ऐसा नहीं करेंगी। दावा है कि ये दोनों युवती कुछ समय पहले दिल्ली मेट्रो में वायरल हुए वीडियो में दिखी थी। लोग ये भी कह रहे हैं कि दोनों युवती सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज पाने के लिए ये वीडियो बनाती थी। बहरहाल अगर आप भी इस तरह की वीडियो बनाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं और पुलिस के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। फिलहाल वायरल अड्डा में आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।